और मुझे सही रास्ता दिखाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैंने क्या पिछले जन्म में गलत कर्म करे थे, या इस जन्म में जाने अनजाने कुछ गलतियाँ कर दी हूँ जो मेरे को नहीं पता हो। तो मुझे वो कर्मों के दोष से मुक्त करो और मुझे सही रास्ता दिखाओ, सही मार्ग पे चलाओ। और अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो तो मुझे इतनी हिम्मत दो कि मैं वो परीक्षा में पास हो पाऊँ और आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पे खतरा उतरूँ, और मुझे सही राह दिखा के ये जीवन जो है मेरा सफल बनाओ। अब देखो, उसमें भी कई चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये है वो है। देखो, ये तो सबके मानने वाली बात है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपके बुरे कर्म आपने किए हैं, इस जन्म में आप अच्छे हो, तो आपको तो पता नहीं आपने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन यही आप कह सकते हो एट मोस्ट। और दूसरा, इस जन्म को सुधारो, जो गरीब है उनकी सहायता करो, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, जो जानवर है उसको धुतकारो मत, उसको पूछो मत तो धुतकारो मत, अगर एक दो रोटी डाल सकते हो तो डालो। और अगर आपको लगता है कि कोई गरीब है जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है, आप उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर करो, जो बीमार है उसको इलाज उसका कराओ, जो भी अपने लेवल पे छोटी छोटी हेल्प कर सकते हो वो आप करो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि देखो, मेन है इच्छा होनी चाहिए हेल्प करने की किसी की भी। आपके पास जो साधन है, जितनी भी क्षमता है आपकी, आप उसमें करो। भगवान कभी ये नहीं कहते कि आउट ऑफ द वे जाके करो, चोरी करो, डाका करो और फिर बोलो कि मैं तो मदद करने के लिए करा था। ना, वो कहते हैं जो भी आपके मीन्स हैं उसमें आप किसी की क्या मदद कर सकते हो। कोई घायल है तो उसको उपचार करो, कोई भूखा है तो उसको खाना दो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेन आपकी भावना भगवान देखता है, और किस लेवल पे आप अपने कर्म सुधार रहे हो ये देखता है। इसका ध्यान रखो।